स्पीसीज लार्ज एंड मीडियम साइज मैमल्स की रिकॉर्ड की गई, जिसमें से कि 4 एंटीलोप्स थे, बार्किंग डियर, सांबर, गोरल एंड वाइल्ड बोर। इसके अलावा करीब 100 ईयर्स पहले इसमें सेंचुरी में यूरोपियन रेड डियर, एक एग्जॉटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका कोई एविडेंस स्टडी के टाइम में नहीं मिला। और जो सांभर और बार्किंग डियर मेनली फॉरेस्ट एरिया में मिलते थे, जो नॉर्दर्न स्लोप्स में होता था, और जो सदर्न स्लोप में ग्रासलैंड्स में मेनली गुरल्स दिखाई देते थे, और वाइल्ड बोर सेंचुरी के पेरिफेर एरिया में मिलते थे। बाकी जो मकाक्स हैं, लंगूर्स हैं, इनके कुछ ट्रूप्स थे जो सेंचुरी में डिफरेंट प्लेसेस पर विलेजेस के आसपास ज़्यादातर मिलते थे। ये सेंचुरी का एक फोटो है। वाइल्ड हैबिटेट गोरल की इस तरीके की होती है, गोरल प्रीफर करते हैं बेसिकली ग्रासलैंड्स को, और जो बीच में गली होती हैं उनमें उनको छिपने के लिए, जिनमें बुशेज होती हैं उनमें वो छुप जाते हैं, और इससे उनको प्रोटेक्ट, यदि ये फॉरेस्ट में जाते हैं तो उसमें थोड़ा चांसेस रहता है कि लेपर्ड भी रहते हैं तो प्रिडेशन हो सकता है। तो ये एक सेफ्टी मेजर से एक स्ट्रेटजी है कि वो ग्रासलैंड्स में रहते हैं, पर्टिकुलरली जब उनके बच्चे उनके साथ में छोटे बच्चे होते हैं। ये फॉरेस्ट हैबिटेट है, इसमें बहुत सारे इसमें जनरली सांबर और बार्किंग डियर इन्हीं फॉरेस्ट हैबिटेट में मिलते रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप गोरल्स देख सकते हैं, जो इनके लिए प्रिफर्ड स्लोप रहता है, जो एंगल रहता है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री वाले जो स्लोप्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गोरल्स की साइटिंग होती है। ये इसमें इसके अलावा जो सेंचुरी एरिया में कैटल पॉपुलेशन का जो लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है उसकी भी एक काउंटिंग की गई, जो एस्टिमेटेड करीब 7000 थी, और इसके बेस पर इनका डेली कंजम्पशन निकाला गया कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी कितनी है। तो पर डे एस्टिमेटेड 1,72,000 केजी फॉडर एवरी डे कलेक्ट किया जाता था या ग्रेजिंग होती थी। इसके अलावा इस काम को करने के लिए जो विलेजर्स थे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे, और एवरी विलेज से 91 मैन आवर्स पर विलेज पर डे एस्टिमेटेड स्पेंड किए गए। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पीपल कैटल्स को ग्रेज करने के लिए लाते हैं, और इसके अलावा कैटल्स के अलावा जो वहाँ की पॉपुलेशन है, इसके अलावा विंटर्स में माइग्रेटरी शेफर्ड्स भी सेंचुरी एरिया को क्रॉस करते हैं और उसमें करीब 15 से 20 डेज तक स्टे भी करते हैं, जो कि एडिशनल पॉपुलेशन है। ये एक पिक्चर है जिसमें जो विलेजर्स हैं वो एवरी डे फॉडर कलेक्ट करते हैं और फायरवुड कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो फॉरेस्ट की जो कंडीशन है, जो कि ज़्यादातर जगह पर सेंचुरी एरियाज में होती है, ये लॉपिंग की वजह से ये इस तरीके का फॉरेस्ट दिखाई देता है। इसके अलावा पोचिंग भी के इंसिडेंट्स भी कोई डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दिए, बट ये स्नेयर्स थे जो कि मेन कोर एरिया में से स्टडी के टाइम में हमें मिले और हमने इनको कलेक्ट किया। तो ये तो बात हुई फील्ड स्टडीज़ की कि किस तरीके से किस तरीके के हैबिटेट में गोरल रहते हैं, क्या क्या उनके थ्रेट्स हैं, और किस तरीके से जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब इन जगहों पर गोरल को देखना बहुत मुश्किल काम है,
ये किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को, और जो इतना शाई एनिमल हो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए जूज में भी गोरल्स रखे गए हैं। और अब हम बात करेंगे पार्ट थ्री में, गोरल्स इन कैप्टिविटी। तो आज के दिन करीब 144 इंडिविजुअल्स 18 जूज में रखे हुए हैं। और ये जो पॉपुलेशन है गोरल्स की, इसमें दोनों तरह के पॉपुलेशन है, ईस्टर्न हिमालय हिमालयन पॉपुलेशन भी है और वेस्टर्न हिमालयन पॉपुलेशन भी है। अब हम बात करेंगे कि जू में, दिल्ली जू में कैसे गोरल्स आए। तो जो फर्स्ट पेयर था वो उसका जो एक्विजिशन है दैट इज रिमार्केबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे हमें जो तिब्बती बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा ने गिफ्ट किया था 20 अक्टूबर 1963 को। इसके बाद जू में हिस्ट्री स्टार्ट होती है गोरल्स की। इसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स कपूरथला की महारानी ने सेकंड पेयर गोरल का गिफ्ट किया था। जब से गोरल एक्विजिशन हुए हैं 1963 में, तब से आज तक जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास, हमने सब जिम्स में डाला हुआ है। दिल्ली जू एक मेंबर जू है जिम्स का, जूलॉजिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको स्पीसीज 360 द्वारा मेंटेन किया जाता है, और हमने पूरा रिकॉर्ड उसमें डाला हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि टोटल बर्थ जो रिकॉर्ड हुई है वो 91 बर्थ्स दिल्ली जू में हुए हैं, 11 टोटल एक्विजिशन हुए हैं आफ्टर फर्स्ट पेयर, और 14 गोरल्स दिल्ली जू से अदर जूज को एक्सचेंज में दिए गए हैं, और 73 गोरल्स की डेथ हो चुकी है अपनी एज पूरी करने के बाद, और जो अभी है हमारे पास 17 गोरल्स हैं हमारे पास। जो 14 गोरल्स एक्सचेंज में दिल्ली जू से दिए गए हैं वो 9 डिफरेंट जूज को दिए गए हैं, जिसमें जयपुर, कानपुर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कुफरी, छतबीर, बिलासपुर, दार्जिलिंग और लास्ट मंथ विशाखापट्टनम इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क को एक पेयर गोरल दिया गया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जू में जो गोरल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं, और जो एक जू का रोल होता है कंजर्वेशन का, वो पूरी तरह से पूरा किया गया है। जो अब बात करते हैं गोरल हाउस की। जो दिल्ली जू में जो गोरल हाउस है, ये एज पर हैबिटेट ऑफ गोरल ये वन ऑफ द बेस्ट एंक्लोजर है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें जो इनकी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे वाइल्ड में क्लिफ्स में मिलते हैं या माउंटेन्स में मिलते हैं, तो इन बिल्कुल उसी तरह से इनको इनका हाउस बनाया गया है। इसमें केव जैसे माउंटेन में कुछ कैविटीज होती हैं जिनमें ये छिप जाते हैं हिल्स के नीचे, इसी तरह से हाउस भी इसके अंदर ही है हिलॉक के नीचे, और उसके बाहर काफ़ी एरिया है जिसमें ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसका टोटल एरिया 1,333 स्क्वायर मीटर का एरिया है। वन साइड से मोट है और इसमें बहुत अच्छी व्यूइंग भी होती है। जो गोरल्स हैं इनको जो डाइट दी जाती है जो जू में, वो बैलेंस डाइट दी जाती है, और एवरी डे पर गोरल को हम 1 kg ग्रीन फॉडर, 4 kg ट्री फॉडर, 500 ग्राम कंसेंट्रेट जिसको मैश बोलते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स में कुकुम्बर विंटर समर में और कैरेट विंटर में 100 ग्राम पर एनिमल पर डे दी जाती है। इसके अलावा विंटर में अक्टूबर से मार्च तक 50 ग्राम आंवला पर एनिमल पर डे
इनको दिया जाता है। और ये जो डाइट दी जाती है इनको, वो 3 टाइम्स में दी जाती है। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले ट्री फॉडर दिया जाता है, उसके बाद यदि 8 बजे ट्री फॉडर दे देते हैं तो उसके बाद करीब 10 से 11 बजे के बीच में ग्रीन फॉडर दे दिया जाता है, और लास्ट में इनको कंसंट्रेट दिया जाता है। जो मैस जो कंसंट्रेट देते हैं उस ये उसका इंग्रेडिएंट है, और हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी जू में प्रोसेस्ड फूड नहीं देते हैं, हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और जो प्रिक्योर किया जाता है जू में, और उसको मिला करके, इंग्रेडिएंट्स को मिला करके सभी एनिमल्स के लिए, जो जितने भी हर्बीवोर हैं उनके लिए कंसंट्रेट तैयार किया जाता है। और ये उसका परसेंटेज है जिसमें व्हीट ब्रान 35%, बंगाल ग्राम पूरे को भिगो दिया जाता है 15%, मेज क्रस्ड 10%, बार्ले क्रस्ड 12%, ओट क्रस्ड 12%, ग्राउंडनट ऑयल केक 14%, टर्मेरिक पाउडर एंड कॉमन साल्ट 1%। नाउ सजेस्टेड स्टेप्स फॉर सक्सेस इन कैप्टिविटी, कि हम किस तरीके से गोरल्स को अच्छे से रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो दैट इज डेडिकेटेड एनिमल कीपर होना चाहिए हमारे पास में, जो एनिमल्स के बारे में सब कुछ जानता हो और एवरीडे अपने एनिमल्स को देखता हो। इसके बाद जो मेन है दैट इज एंक्लोजर विद स्लोप एंड क्लिफ्स। जितने भी गोरल्स हैं दे आर माउंटेन एनिमल, और जब हम इनको प्लेन में रखते हैं तो उनको एनवायरनमेंट देने के लिए स्लोप्स और क्लिफ्स के साथ में इसी तरह के एंक्लोजर बनाए जाने की जरूरत रहती है। और दिल्ली जू से इवन जब बिलासपुर जू के लिए एनिमल्स लेकर के गए थे, तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ का एंक्लोजर देखा, और इस सेम एंक्लोजर बनाने के बाद में एनिमल ट्रांसफर किए गए और वहाँ पर ब्रीड भी हो रहे हैं। इसके बाद आता है बैलेंस डाइट। ये हमें इसका बैलेंस जो डाइट जैसे दिल्ली जू में दी जाती है, इसी तरह से डाइट यदि हम देंगे, फूड देंगे और उसमें थोड़ा चेंज भी करते रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। एनिमल डिजीज फ्री रहता है और उसके अपकीप में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिकॉर्ड कीपिंग। जो हम एनिमल्स जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना रहता है कि वो ईस्टर्न हिमालयन स्पीसीज है या वेस्टर्न हिमालयन स्पीसीज है, और कब कहाँ से आई थी, जिससे कि हम उसका उसकी पेडिग्री ध्यान में रख सकें। जैसे ये पहले वल्नरेबल कैटेगरी में आता था, अब ये सॉरी लिस्ट कंसर्न में आता था, और अब ये नियर थ्रेटेंड में आता है। तो इसके जो मतलब वाइल्ड में पॉपुलेशन जिस हिसाब से कम हो रही है, तो हमें इसका स्टर्ड बुक्स और पेडिग्री को मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट इज वेटनरी सपोर्ट। डेफिनेटली फॉर डिफरेंट डिजीज एस्पेक्ट्स, वैक्सीनेशन एंड ऑल। इसके अलावा सेग्रीगेशन ऑफ फीमेल्स, जो जब इसमें गोरल में बच्चे होते हैं तो जो पूरी केयर है वो केवल फीमेल्स करती हैं, मेल्स का इनमें कोई रोल नहीं होता। और जब वाइल्ड में भी जब फीमेल बच्चे देती हैं तो अपने ग्रुप से अलग ग्रासलैंड्स में अपने बच्चों को ले जाती हैं, तो इसलिए ये ऑलवेज बेटर है, या तो नंबर मेल्स का कम हो पॉपुलेशन में हर्ड में, या फिर उनको यदि इक्वल भी है तो भी हमें सेग्रीगेट कर लेना बेटर है। इसके अलावा सॉफ्ट ग्राउंड फॉर फॉन्स, हम उनको एंक्लोजर में स्लोप्स भी दे देते हैं, क्लिफ्स भी दे देते हैं, बट फॉनिंग के टाइम में दे नीड सॉफ्ट ग्राउंड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वाटर लॉगिंग, बिकॉज इनकी वाइल्ड हैबिटेट में कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती है, और इसलिए इनको जो जो नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट है वो देने की ज़्यादा जरूरत होती है। ये हमारे जू के कीपर हैं, जो वेरी डेडिकेटेड कीपर हैं, और जो हमारे गोरल की पॉपुलेशन है उसका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं।
ये एंक्लोजर है, कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्लिफ्स में कुछ गुरल आराम से बैठे हुए हैं, जैसे कि ये अपनी नेचुरल हैबिटेट में बैठे होते हैं। ये मॉर्निंग टाइम का है, दो दो तीन दिन पहले का फोटो है, कि ये जब जब सनलाइट निकलती है तो इस तरीके से ये धूप में बैठ जाते हैं। इसमें ये जो फी जो जब हम इनको ग्रीन फॉडर भी देते हैं तो दोनों तरह का देते हैं, चॉप्ड भी देते हैं और होल भी देते हैं, तो इससे चॉइस रहती है एनिमल्स की कि वो जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं। ये सब कुछ पिक्चर्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे हम लोग कुछ पैडी स्ट्रॉ भी डालते हैं, ये विंटर अरेंजमेंट है। जैसे हिल्स में ड्राई ग्रास होती है, इसी तरह से पैडी स्ट्रॉ जगह जगह डाल दिया जाता है, जिससे कि ये सर्दी से बचते हैं। इसके अलावा इसका कुछ पार्ट ये खा भी जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मनोज, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें गोरल के बारे में। जनरली मुझे तो लगता है कि हम भी इनको पहले बकरी ही समझते थे, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और लोगों का ये चीज़ क्लियर किया कि क्यों इनको बकरी नहीं कहते या एंटीलोप, गोट एंटीलोप क्यों होते हैं ये। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता था आपसे, जैसे कि ये हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड का मतलब जैसे आपने बताया कि 5,000 मीटर तक, तो इनको दिल्ली के जैसे इन्वायरमेंट या विशाखापट्टनम के जैसे इन्वायरमेंट में क्या कोई समस्या नहीं होती? एक्चुअली कुछ एनिमल्स होते हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अडेप्टेशन जिनमें बहुत ज़्यादा होता है, और आप देखेंगे कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो इवन नेमोरेडस जीनस की थाईलैंड में भी मिलती है। तो इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है जीनस का, ये बहुत ज़्यादा है कि ट्री लाइन पर भी मिलता है और नीचे भी मिलता है। डेफिनेटली जब हम इसको हम किसी भी एनिमल को यदि आज के दिन हम कुफरी से डायरेक्ट नहीं लाते हैं, हम अपने पहले सपोज कुफरी से यदि एनिमल आता है तो छतबीर जू में आता है पहले, जो कि क्लोज टू शिवालिक्स है, और जब वहाँ पर कोई अडेप्टेशन हो जाती है देन उसके बाद हम छतबीर से दिल्ली लाते हैं, और फिर इसको दिल्ली से फिर त्रिवेंद्रम भी भेज देते हैं, विशाखापट्टनम भी भेज देते हैं, जब वो यहाँ पर एक दो जनरेशन ब्रीड हो जाती हैं, क्योंकि दिल्ली का जो समर है वो काफ़ी हार्श रहता है, और उसके बाद जब दिल्ली के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं तभी हम इनको दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। अच्छा, एक ये आपने जो इसका जवाब दिया उससे मेरे एक और उत्सुकता हुई कि अगर ये इतने वेल अडॉप्टेड हैं, ये इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हिमालय के क्षेत्र में रेस्ट्रिक्ट क्यों हो गया? ये आगे क्यों नहीं, जैसे कि गंगा के मैदानों में, या फिर अगर हिल रेंजेस की ही बात करें, जैसे हिमालयन तार और नीलगिरी तार, दो अलग अलग माउंटेन रेंजेस में है, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रेस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ हिमालय में? एक्चुअली जो ये रूपी कैप्रिनी जो स्पीसीज है, जो बेसिकली इसमें जितने भी एनिमल्स हैं सभी हाई एल्टीट्यूड के एनिमल्स हैं, और इनमें से कोई भी एनिमल जो गोरल्स को छोड़कर, गोरल तो फिर भी 500 मीटर तक आ जाते हैं। अडेप्टेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो वो जू में कर रहे हैं, वाइल्ड में इनकी जो प्रायोरिटीज रहती हैं, जू में से जाना तो मुश्किल होता है, एक बार आ गए किसी तरह से तो फिर हम उसको जू में एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, कि इसका जैसे स्टोन वाला हाउस बनाया तो अंदर फिर पंखे भी लगाएंगे, उसमें पानी भी छिड़क के रखेंगे, तो इस तरीके से हम उनको अडेप्ट कराते हैं। वैसे वो अपने से अडेप्टेशन नहीं आता, इसीलिए मैं कह रहा था कि जू में एक डेडिकेटेड कीपर जो उसकी ज़रूरतें समझ सकता है
वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि दिल्ली जू से बहुत सारे जूज में जितने मैंने जू बताए आपको करीब 9 जूज में दिल्ली से दिए गए हैं ये एक्सचेंज में, बट आज के दिन सभी में वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अडेप्टेशन है, बट वो इतने आसानी से नहीं हुआ है। जी जी बिल्कुल सही बात। तो धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक आपकी द्वारा दी गई जानकारियों से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और आपका दर्शकों के लिए ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चूंकि आप राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से ही जुड़े हुए हैं, तो हम सभी धन्यवाद करते हैं आपका, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू।